हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल, राधे राधे। हैप्पी गणेश चतुर्थी। ये गणेश चतुर्थी कुछ शाम का है। सब हम लोग यहाँ मूर्ति गणेश पूजा का रखा होता है गणेश जी का, तो हम लोग जा रहे थे देखने। बच्चे सभी तैयार हो गए हैं। शाम का इवनिंग का टाइम है, 6:30-7 बज रहे होंगे। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। अभी ससुर जी को खाना वाना खिला दिए, और बच्चों का मन था थोड़ा देखने का, तो हमारे शहर में बहुत जगह गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है, और बड़े बड़े पंडाल भी बनते हैं। सोचे चलो थोड़ी घूम ली जाए। कल 30 का फास्टिंग था और आज पारन था, तो नहीं फिर भी ठीक ही था सब में। तो सोचे थोड़ा शाम को घूम लिया जाए, थोड़ा मन भी अच्छा हो जाएगा। और आज तो लेकिन मंगलवार था, तो हस्बैंड जी का फास्ट था। गाइज, मैं ये ब्लॉग थोड़ा लेट से डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो देखिएगा पूरा, लाइक शेयर कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, बोले पूरे घर में लाइट वगैरह सारा ऑफ कर दे रहे हैं। एक लाइट जलाएंगे और फिर निकलते हैं। अभी बाहर देखिए, ये मेरी कासू और परी दोनों निकल चुकी हैं। ये देखिए सीढ़ी से नीचे उतर रही है खुद से, तैयार होकर बहुत खुश थी। अपना फ्रॉक पहन कर गोल गोल घूम रही थी। और मैं भी, सब लोग नीचे जा चुके हैं। हम सोचे हम लोग पैदल ही जाएंगे, तो ये देखिए मैं लॉक लगा ली, और अब मैं भी जा रही हूँ नीचे उतरने। और मैं जब उतरी बाहर, तो देखी कि पतिदेव बाइक निकाले हैं। वैसे एक बाइक में जाने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन पास ही में जाना था, भीड़ भी ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग नीचे उतर गए, वो लोग जाकर बाइक में बैठ चुके थे सभी लोग। बस ये मेरी छोटी बेटी, अंधेरा भी काफ़ी था, देखिए बाइक के पीछे खड़ा होकर लाइट में खेल रही थी। अब हम लोग सब निकल चुके हैं। रास्ते में काफ़ी भीड़ था, तो बाइक को इधर ही साइड में लगा दिए थे, और वहाँ से हम लोग पैदल जा रहे थे, क्योंकि भीड़ में ना गाड़ी को लेकर चलने में बहुत थोड़ा दिक्कत होता है। ये देखिए, तो हम लोग सब पैदल ही घूम रहे थे। पंडाल यहाँ से बहुत दूर था, तो सोचे चलो धीरे धीरे निकल जाएंगे। मेरा बेटा है, मैं हूँ, सब लोग, हम लोग धीरे धीरे जा रहे थे। बहुत ही अच्छा बना हुआ था। ये हमारे चट्टी बाजार का है, भी मार्ट के सामने रखा जाता है ये गणेश जी का मूर्ति। ये देखिए पंडाल बना हुआ बहुत ही सुंदर। और वहाँ पे ना कुछ बच्चे भी प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत ही अच्छा। देखिए आप लोग को दिखाती हूँ। संघ का ये है यहाँ का जो पंडाल बनता है, बहुत ही सुंदर। गणेश गणपति बप्पा का मूर्ति बना हुआ था, बहुत बड़ा। आप लोग भी देख लीजिए, पंडाल भी कितना सुंदर डेकोरेट किया हुआ, बहुत सुंदर लग रहा था अंदर से देखने में। लेडीज और जेंट्स सबका अलग अलग जाने का बनाया हुआ था। बहुत भीड़ था, अच्छे से रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहा था। ये देखिए लड्डू, यहाँ पे 151 kg का या 251 का कितना था, मैं ध्यान नहीं दी थी। और ये लड्डू बनता है, भोग प्रसाद लगता है पप्पा का, विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणेश भगवान, सब पे अपनी कृपा बना के बनाए रखे, सबका विघ्न हरे। और फिर हम लोग वहाँ से घूमते हुए फिर दूसरे पंडाल में भी गए। हमारे सर के बिजुलिया तालाब है, वहाँ पे भी रखा जाता है। देखिए वहां पहुंच चुके हैं हम लोग। अब
यहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ भी बहुत सुंदर पंडाल बना हुआ था, ये देखिए इसरो का बना हुआ है, यानी चंद्रयान 3 जो अभी हमारा सक्सेस हुआ है, चांद पे गया है, तो उसी का ये बना हुआ था। बहुत सुंदर, बाहर से भी डेकोरेट अच्छा किया हुआ था और अंदर में भी था। तो अब अंदर का दिखाती हूँ आप लोगों को, ले चलती हूँ, आइए पंडाल के अंदर चलते हैं। देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं, भीड़ काफ़ी था, उसी में रास्ता बना बना के निकल पहुँचे जाते हैं। और भी बहुत जगह रखे हुए थे लेकिन हम लोग सब जगह नहीं पहुँच पाए। ये देखिए शिव पार्वती जी हैं, नीचे गणपति बप्पा थे। एंजल पे सो गए तुम? हाँ, उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए। एक और पंडाल मेरे पास में ही बना हुआ था, घर के पास भी, वहाँ नहीं जा पाए, बारिश भी बहुत होने लग रहा तो इसलिए नहीं जा पा रहे। ये दूसरे दिन मॉर्निंग का है, ये मेरी बेटी अपनी दीदी के टैडी पे सोकर देखिए खेल रही है, मस्ती कर रही है, दोनों बहनों का चलते रहता है ऐसे ऐसे खेलना। आग बंद करो, आग बंद करके सो, आग बंद कर लो। देखिए इसकी हरकतों को आप लोग कैसे कैसे करती है। बी फॉर बॉल, बॉल बी फॉर बॉल, डायपर में घूम रही है। और ये है नेक्स्ट डे रात का है, मेरी बेटी को मोमोज खाने का मन था तो घर में मैं बनाई थी मोमोज और चटनी, एक झलक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैं एक्चुअली हर चीज़ ज़्यादातर कोशिश करती हूँ आटे का बनाने का, हेल्दी होता है, ज़्यादा मैदा बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। मेरी बेटी बोली मुझे मैदे का खाना, तो मैं दोनों तरह का बनाई थी। और ये मैं चटनी के लिए फ्राई करके रखी थी, टमाटर लहसुन और ये है धनिया पत्ता, ऐसे इसमें प्याज भी पड़ता है लेकिन प्याज नहीं था तो सबको भून के पीस ली। पीसने के बाद फिर चटनी को फ्राई की थी तो अच्छी बन गई थी, चटनी अच्छी बनी थी। और फिर मोमोज़ के लिए मैं जो भी आप वेजिटेबल्स डालना चाहें, वैसे ज़्यादा इसमें पत्ता गोभी प्याज शिमला वगैरह पड़ता है तो मैं भी डाली थी। ये देखिए मैं पत्ता गोभी को क्रश करके रख ली हूँ, इधर थोड़ा मैदे को गूंद रही हूँ तेल डालकर और नमक डालकर, और फिर आटा को भी गूंदी थी। और आप जैसा चाहे वैसे छोटी छोटी पूरियों के साइज़ का बना लें। और ये देखिए इसमें नमक मिला, नमक लास्ट टाइम में डालते वरना इसमें पानी छोड़ देता है। और फिर नमक को मिला ली, इसमें धनिया पत्ता मिर्ची भी काट कर डालते हैं तो सबको मिला ले रहे हैं अच्छे तरह से। फिर ने उस पूरी छोटी छोटी पूरी उसमें भर के आप मोमोज का शेप देकर और बना सकते। ये मैदे का है, थोड़ा सा मैदा भी गूंदी थी मैं, तो रेडी हो चुका था। तो बेटी मेरी टेस्ट कर रही थी, दिखाती हूँ। ये थोड़े से आटे के हैं और थोड़े से मैदे का मैं बनाई थी लास्ट में, चटनी और मोमोज, यम्मी यम्मी सा, यम्मी यम्मी। और ये है मैदे का, इस तरह हमारा और चटनी रेडी है। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, थैंक यू।